देखियो सिंधु घाटी से तो आपका क्लास चल रहा है। मेटेरियल इस तक का मिल रहा है, मिल गया है 100%। अप्रैल से और ऑनलाइन शुरू भ ब्रांच सबके लिए क्या? अप्रैल से 22 अप्रैल। सेम शेड्यूल रखते तो ठीक रहता है। बायोलॉजी उसको जेई क्लास में सबको चैलेंज कीजिए, यहाँ पर भी रजिस्टर वहाँ करते नहीं है। मैं आपने बोले था मुझे रजू पास छुट्टा हुआ पढ़ा दीजिए, 2 सप्ताह लगेगा। आप 2 टाइम चेंज कर दे तो वही बोल रहे हैं, तो हम रजिस्टर चालू कर लेंगे। 11 से 12 है पीके सिंह का मैथ, पंकज सर का हिस्ट्री, लेट हो गया। ये लिखने ठीक ठीक है। अरे 7 बजे से ना 7:05 7:15 लिख कर चले। हमें ये बाइक पैकेज भी आ रहा है सारे पे। मैंने लाइव वाले साइड में किया।
आपका भी वर्क बड़ा टेंशन है वाला है। लफुआ भी छे सब टोटली छे टोटल लफुआ मर्यादा के स्टार पार कर दे हम जत्ते छे इंजीनियर सब लफुआ छे टोटल लफुआ छे टीचर टाइप को कोई बात ही नहीं है सब थकै छे एको क्वेश्चन नहीं लड़े छे गौरव ना नहीं बढ़िया प्रवेश कॉन्सेप्ट नहीं छे कॉन्सेप्ट नहीं छे नहीं नहीं सब के पास जो है ना कि अपना नोट्स नहीं है या इधर से लेकर उधर से लेकर इधर है और फिर नोट्स ही देना नहीं चाहता है पूछता है क्या कि मेरा नोट पब्लिक हो जाएगा ये पढ़ा रहा है वही तुम्हारा पब्लिक है तो नोट्स क्या है नवीन मटेरियल के बारे में पूछे नवीन जी लोग मेरे मटेरियल के बारे में कोई पूछे नहीं पंकज मिश्रा दिया कि नहीं दिया दीपा बाबू अकेले ऑनलाइन हाँ थामने छियो बड़ा टेंशन वाला काम है हाँ केना हेते बाप रे बाप केना हाँ समय छे कृष्णा जी के नहीं देखे छियै हाँ पैसा गिनल सही ले ले फिर दिन के मतलब डाटा ले ले लो राइट बात हो गए सब कुछ ओके है तो ओके है बस कहीं कोई समस्या है तो बात की नहीं तो दिन में कोई बातचीत नहीं की थी हमें छत्र बता गए ऑनलाइन लाइव क्लास देखिए नीचे कितना देता है नीचे आप कितना देता है क्या पैसा देता फिर भी बोलिए ना 15-20 नहीं तो आपको कम से कम 50,000 चाहिए था ना ये 15-20,000 50,000 से नीचे काम ही नहीं है हम तो बोल देंगे एक दिन आप तो काम नहीं ना गलत गलत काम सालग नहीं चलने वाला है 7 बजे आदमी उठे थे बाप रे बाप यो 7:37 हो गया स्टार्ट है ओके दिस इज द थिंग लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट
जवान सब आ गया है, सारे बच्चे जवान क्या है सर, नोट्स नहीं मिला। इधर है नोट्स नहीं मिला, मिल जाएगा नोट्स, आपका नोट्स मिल जाएगा, भेज दिया गया साइट पर। राहुल जी गुड मॉर्निंग आपको भी। नोट सबको मिल गया है तो इनको बता दीजिए, बोल रहे नोट्स नहीं मिला। अभी बोल दीजिए शुरू हो जाए। वीर जवानों, यह आवाज है सहनशाह पंकज मिश्रा की प्लेटफॉर्म की धरती से, बात कर रहे हैं बनवाली की। बनवाली, बनवाली, बनवाली वर्तमान समय में एकदम गौर सुना, रिलैक्स हो जाएं, टेंशन एकदम खत्म कर दें। बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली का उत्खनन कार्य 1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह विष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। शतरंज का बोर्ड देखे हैं? बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जमान समान थी, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता काल के लोगों को शतरंज जैसे खेल का ज्ञान था। तो यह भी कहा जा सकता भारत की धरती संसार की पहली धरती थी जिसने पूरी दुनिया को शतरंज जैसे खेल से परिचित कराया। इस प्रकार शतरंज जैसे खेल की शुरुआत सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता की धरती से हुई थी। बनवाली के उत्खनन से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। अब बताएं तो बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के किस जिले में स्थित है, याद पढ़िए। बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा, याद पढ़िए। बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह बनाए कि बनवाली का उत्खनन कार्य 1973 से 1974 के दौरान, उरानी बनवाली का उत्खनन कार्य 1973 से 1974 के दौरान किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? बनवाली का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन प्रारंभ हुआ था, याद पढ़ें, याद पा रहे हैं? रविंद्र सिंह, क्या होगा आगे, रविंद्र सिंह, याद पा रहे हैं? रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह विष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। बनवाली की नगर निर्माण योजना किस बोर्ड के जाल के समान थी? बनवाली की नगर निर्माण योजना किस बोर्ड के जाल के समान थी, याद पा रहे हैं? देखें, बनवाली की नगर निर्माण योजना किस बोर्ड के जाल के समान थी?
बनवाली की नगर निर्माण योजना किस बोर्ड के जाल के समान थी? बनवाली की नगर निर्माण योजना किस बोर्ड के जाल के समान थी? क्यों लेट हो रहा है? शतरंज सही आंसर है, शतरंज के बोर्ड के जाल के समान। ये बताएं कि बनवाली से जो हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है वह किसका बना हुआ है? बनवाली से हल जैसे खिलौना प्राप्त हुआ है किसका बना हुआ है? याद पा रहे हैं? किसका बना हुआ है? बनवाली से हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है किसका बना हुआ है? वह किसका बना हुआ है? सही आंसर है मिट्टी का। देखें रोपर, रोपर वर्तमान समय में पंजाब के रोपर जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपर का उत्खनन काल 1953 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। रोपर से तांबे की बनी हुई एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। बताएं रोपर किस राज्य में है? 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 पंजाब। रोपर किस राज्य में है? पंजाब। रोपर वर्तमान समय में पंजाब के, हम देखते हैं रोपर का उत्खनन काल 1953 से 56 ईस्वी में किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? रोपर का उत्खनन काल 1953 से 56 ईस्वी में किसके निर्देशन प्रारंभ हुआ था? देखें यहां पर यज्ञदत्त, आगे लिखे हैं यज्ञदत्त क्या होगा? रोपर का उत्खनन काल 1953 से 56 ईस्वी में किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? यज्ञदत्त, याद पा रहे हैं? रोपर का उत्खनन काल 1953 से 56 ईस्वी में किसके निर्देशन प्रारंभ हुआ था? यज्ञदत्त, रोपर का उत्खनन काल 1953 से 56 ईस्वी में किसके निर्देशन प्रारंभ हुआ था? सही आंसर क्या होगा? यज्ञदत्त लिख दें, यज्ञदत्त शर्मा। रोपर के उत्खनन से जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है वह किसके सहायता से बनी हुई है? रोपर के उत्खनन से जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है वह किसके सहायता से बनी हुई है? रोपर के उत्खनन से जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है वह किसके सहायता से बनी हुई है? किसके सहायता से बनी हुई है?
आवाज आ रही है? किसके सहायता से बनी हुई है? इसका सही आंसर है तांबा। इसका सही आंसर है तांबा। देखें इधर, रंगपुर, रंगपुर सुने, रंगपुर वर्तमान समय में गुजरात के काठियावाड़ जिले में, रंगपुर वर्तमान समय में गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर वर्तमान समय में गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। रंगपुर के उत्खनन से धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं। धान के भूसी को देखकर ऐसा लगता है कि रंगपुर की धरती पर धान की खेती होती थी। देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य गुजरात की धरती पर हुई थी। ये बताएं रंगपुर किस राज्य में है? रंगपुर वर्तमान समय किस राज्य में है? रंगपुर वर्तमान समय में किस राज्य में है? याद पा रहे हैं? रंगपुर वर्तमान समय में किस राज्य में है? दीपक जी देखिए काम कर रहा है ये। रंगपुर वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? कहां जा रहे हैं? सही इसका आंसर है गुजरात। रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? याद पा रहे हैं? रंगनाथ, रंगनाथ याद पा रहे हैं? रंगपुर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? रंगनाथ, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति जी सही आंसर है रंगनाथ राव। रंगपुर के उत्खनन से किस फसल के भूसी प्राप्त हुए हैं? रंगपुर के उत्खनन से किस फसल के भूसी प्राप्त हुए हैं? आप यहीं रहिए। रंगपुर के उत्खनन से किस फसल के भूसी प्राप्त हुए हैं? लगता है सर्वर स्लो है क्या? रंगपुर के उत्खनन से किस फसल के भूसी प्राप्त हुए हैं? सही आंसर देखिए यहां पर, याद पा रहे हैं? रंगपुर के उत्खनन से किस फसल के भूसी प्राप्त हुए हैं? धान के। अच्छा ये बताएं, देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य कहां पर हुई थी? याद पा रहे हैं? देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य कहां पर हुई थी? इसका क्या आंसर होगा? देखिए याद पा रहे हैं आप, देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य कहां पर हुई थी? देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य कहां पर हुई थी? याद पा रहे हैं? देखिए, देश की आजादी के बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य कहां पर हुई थी? सही आंसर आपने दिया है ज्योति जी, आज तो आप लीड कर रहे हैं। सही आंसर है गुजरात। अब देखें सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था।
सुरकोरदा के उत्खनन से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता काल के लोग घोड़े जैसे जानवर की महत्ता से परिचित नहीं थे, और अस्थि हम हड्डी को कहते हैं। ये बताएं, सुरकोरदा वर्तमान समय में गुजरात के किस जिले में स्थित है? याद पा रहे हैं, सुरकोरदा वर्तमान समय में गुजरात के किस जिले में स्थित है? गुजरात के किस जिले में स्थित है? सुरकोरदा वर्तमान समय में गुजरात के किस जिले में स्थित है? याद पा रहे हैं, किस जिले में स्थित है? वर्तमान समय में गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर दिया है राहुल कुमार, कच्छ। बताएं, सुरकोरदा के उत्खनन से किस जानवर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोरदा के उत्खनन से किस जानवर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोरदा के उत्खनन से किस जानवर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोरदा के उत्खनन से किस जानवर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोरदा के उत्खनन से किस जानवर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? राहुल जी सही आंसर दिया है, घोड़ा यानी हॉर्स। अब देखें, धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा का उत्खनन काल 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह विष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल माना जाता है। धौलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी उत्खनन 1990 से 1991 के दौरान हुई थी, इसलिए धौलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल माना गया। धौलावीरा से जल निकासी के सुंदर प्रमाण मिले हैं, यानी पानी के बहने का। धौलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं, और लिपि मतलब लिखने का तरीका कहते हैं, और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। तो धौलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है, यानी एक गेट प्राप्त हुई है। ये बताएं, धौलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? धौलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? याद पढ़ें, धौलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? धौलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है कच्छ। ये बताएं, सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल कौन माना जाता है? यह बताएं, सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? याद पा रहे हैं, अभी वही पढ़ा रहे हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है, अभी देखते जाएं। सही आंसर आपने दिया है ज्योति दी, धौलावीरा। यह हमें बताएं कि धौलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है धौलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है, यानी एक गेट प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के तीन ऐसे जगह हैं जहां से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्नि कुंड उसे कहा जाता है
अग्नि कुंड उसे कहा जाता है जहां पर अग्नि को जलाया जाता है। तो सिंधु पूजा पाठ के दौरान, यज्ञ के दौरान जहां पर अग्नि जलाया जाता उसको अग्नि कुंड कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के तीन स्थल से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं, वह है कालीबंगा, लोथल, बनवाली। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के किस जगह से अग्नि कुंड के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन में रहेगा कालीबंगा, लोथल, बनवाली और रोपर। तो आप भूल जाएंगे कि कहां से मिला है। इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको सिर्फ याद रखना है। याद रखना है सिर्फ कलव, याद रखना है सिर्फ कलव, और कलव से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। निकाल लेना क से कालीबंगा, ल से लोथल, ब से बनवाली। कलव तो आप कभी भूल नहीं सकते। पूछेगा कहां से अग्नि कुंड का प्रमाण नहीं मिला है, यानी पूछेगा कहां से अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है, सीधे याद कर लेना है कलव। निकाल लेना है क से कालीबंगा, ल से लोथल, ब से बनवाली। इस तरह के कई ट्रिक भी देंगे। अभी अभी तो आपका हम बेस तैयार कर रहे हैं ना। बेस तैयार नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तो आगे आप बढ़ेंगे कैसे। रही बात आपकी मटेरियल की, तो दीपा बाबू ये बताइए मटेरियल अभी तक क्यों नहीं लोगों को मिला। आपका मटेरियल डाल दिया गया है मेरे वीर जवानों, साइट से, साइट से, हाँ साइट से डाल दिया गया है। और मटेरियल जल्द दें, और लेने के बाद हमें बताएं सर मटेरियल मिल गया। जब मटेरियल मिल जाएगा तो फिर युद्ध का एक नया तरीका हम तैयार करेंगे। जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के कोई एक नहीं बल्कि कई कारण माने जाते हैं। प्राचीन इतिहासकारों के एक वर्ग ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए विदेशी आक्रमणकारी को उत्तरदायी ठहराया है। प्राचीन इतिहासकारों के एक वर्ग ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को इसलिए उत्तरदायी ठहराया है क्योंकि मोहनजोदड़ो से मानव नरकंकाल के ढेर ही ढेर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव नरकंकाल के ढेर को देखकर प्राचीन इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है शायद सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा कर दी गई। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक विद्वान इस बात को नहीं मानते। आधुनिक विद्वान का मानना है यदि सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा कर दी गई है तो मोहनजोदड़ो से जो भी मानव नरकंकाल के ढेर प्राप्त हुए हैं उस ढेर पर हथियार का निशान होना चाहिए था, लेकिन मानव नरकंकाल के ढेर पर हथियार का निशान नहीं मिलता। जब इस नरकंकाल के ढेर का वैज्ञानिक टेस्ट किया गया तो पाया गया यह उन्हीं लोगों का नरकंकाल है जो लोग मलेरिया जैसे महामारी का शिकार हो गए थे। इस प्रकार मलेरिया जैसे महामारी के प्राचीनतम जानकारी हम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिलती है। प्राचीन हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में पहले अच्छी बारिश होती थी। अच्छी बारिश होने के कारण फसल की उत्पादकता भी अच्छी थी। लेकिन जब सिंधु सभ्यता की जनसंख्या बढ़ने लगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ी और मकान बनाने के लिए बृहद पैमाने पर जंगल काट दिए गए। जब मकान बनाने के लिए बृहद पैमाने पर जंगल काट दिए गए तो इसका असर मानसून पर पड़ा और धीरे 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 बारिश घटने लगी और घटती हुई बारिश की मात्रा ने कृषि की उत्पादकता को प्रभावित किया। इस प्रकार घटती हुई कृषि की उत्पादकता सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण बन गया। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है जलधारा में परिवर्तन। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी सिंधु सभ्यता काल के लोगों के जीने का आधार थी। सिंधु नदी में पानी थी इसलिए सिंधु नदी सिंधु सभ्यता काल के लोगों के जीने का आधार थी। सिंधु नदी में पानी थी तो पीने के लिए पानी मिल जाती थी। तो सिंधु नदी में पानी थी तो आसपास के कृषि के सिंचाई के लिए भी पानी मिल जाती थी। तो सिंधु नदी में पानी थी तो यह यातायात का साधन भी हुआ करती थी। लेकिन जब सिंधु नदी मार्ग बदल लिया तो सिंधु नदी में पानी नहीं रहा। तो जब सिंधु नदी में पानी नहीं रहा तो पीने के लिए पानी नहीं रहा। सिंधु नदी में पानी नहीं रहा तो आसपास के कृषि के सिंचाई के लिए पानी नहीं रहा। सिंधु नदी में पानी नहीं रहा इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। इस प्रकार जलधारा में परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है बाढ़। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में जो भी मकान बनाए जाते थे
तो इतने ऊंचे ऊंचे जगह पर मकान बनाए जाते थे। अब प्रश्न ये उभरता है, सिंधु सभ्यता काल में जो मकान बनते थे काफी ऊंचाई पर क्यों बनते थे? इससे यह लगता है कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता काल के लोगों को बाढ़ का डर रहता था। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है अग्निकांड। हम ऐसा इसलिए कहते हैं दक्षिणी बलूचिस्तान के उत्खनन से जले हुए चीजों की मोटी सतह मिली है, और जली हुई चीजों की मोटी सतह को देखकर लगता है कि सिंधु सभ्यता के पतन में अग्निकांड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहां की नगर निर्माण योजना थी। नगर निर्माण योजना की जिंदगी तब तक चलती रही जब तक सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रही। जब सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने लगी तो वहां के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इस प्रकार कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था सिंधु सभ्यता की धरती को हिला कर रख दिया। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है आर्थिक पतन। हम ऐसा इसलिए कहते हैं सिंधु सभ्यता काल के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार व्यापार था, और सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे, और वस्तु विनिमय प्रणाली इसलिए आधारित थी क्योंकि उस समय रुपया पैसा प्रचलन नहीं थे। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का व्यापारिक संबंध मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया के देशों के साथ थे। जब मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया के देश में राजनीतिक हलचले हुई तो इन देशों के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध टूट गया। तो फिर हम कह सकते हैं जिस सभ्यता काल के लोगों के आर्थिक जीवन का आधार व्यापार थे उसके समाप्त होते ही सिंधु सभ्यता की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण मौजूद नहीं थे बल्कि कई कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता का नाश कर दिया। तो हम यह भी कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के अलग अलग नगरों का पतन अलग अलग कारणों से हुई थी। एक बार हो जाए, दो मिनट लगेगा, हम शुरू से डेली पांच मिनट पूछेंगे ही, ये हमारा नेचर में रहा है। और मेटेरियल मिल जाए तो मैं जल्द बताएं, ये बताएं सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? हमारी आवाज जा रही है, बताना है सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी। आज पॉल जी का नहीं मैसेज आ रहा है, हर्षल जी आज नहीं है, लगता है सोए रह गए। सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी हैं? सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? ये लोग पहला क्लास में शायद नहीं थे, साइट पर नहीं मिल रहा है, नोट्स लिख रहे नहीं मिल रहा है। सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां थी, तो आप सिंधु सभ्यता की दो राजधानी का नाम बता सकते हैं? सिंधु सभ्यता की दो राजधानी का नाम बता सकते हैं? याद पा रहे हैं, एक का नाम हौज शुरू होता है, दूसरे का नाम ऐसे शुरू होता है। सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? राजधानी कौन कौन थी? हरप्पा एवं मोहनजोदड़ो। ये बताएं सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? याद पा रहे हैं, एक ये है और दूसरा है इससे शुरू होता है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? वेरी गुड, गेहूं और जौ। यह बताएं सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मंदिर का प्रमाण मिला है? सिंधु सभ्यता के उत्खनन से गेहूं, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मंदिर का प्रमाण मिला है? यस या नो में जवाब दें। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मंदिर का प्रमाण मिला है? हमारी आवाज जा रही है? सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मंदिर का प्रमाण मिला है? इसका जवाब हां या ना में देना है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मंदिर का प्रमाण मिला है?
इसका सही आंसर है नहीं। हमें ये बताएं, सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे, याद पा रहे हैं? वेरी गुड, तीन तरीके से। यह हमें बताएं कि सिंधु सभ्यता काल में पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र कौन सा पेड़ माना जाता था? सिंधु सभ्यता काल में पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र कौन सा पेड़ माना जाता था, याद पा रहे हैं? देखें यहां पर पौसे है, याद पा रहे हैं पौसे है। सिंधु सभ्यता के काल में पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र कौन सा पेड़ माना जाता था? सही आंसर है पीपल। ये बताएं, सिंधु सभ्यता काल में पशुओं में सबसे अधिक पवित्र कौन माना जाता था? सिंधु सभ्यता काल में पशुओं में सबसे पवित्र कौन माना जाता था, याद पा रहे हैं? सिंधु सभ्यता काल में पशुओं में सबसे अधिक पवित्र कौन माना जाता था? पशुओं में सबसे अधिक पवित्र कौन माना जाता था, याद पा रहे हैं? याद पा रहे हैं क्या होगा? कुबर वाला बैल इसका सही आंसर है। इसे हम कुबर वाला सांड के नाम से भी जानते हैं। यह हम बताएं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? 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 मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, याद पा रहे हैं? देखें याद पा रहे हैं क्या होगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का क्या? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, सही आंसर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह हमें बताएं, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ था। तो आसन के नीचे कितने हिरण के चित्र बने हुए हैं? आसन के नीचे कितने हिरण के चित्र बने हुए हैं? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो आसन के नीचे कितने हिरण के चित्र बने हुए हैं? आसन के नीचे कितने हिरण के चित्र बने हुए हैं? सही आंसर है दो। क्या करें, हम समय पर आते हैं, हम काफी दूरी से आते हैं, फिर भी हम आपके लिए हम समय पर आते हैं। समय पर आने के बाद कभी आप में कभी साइबर प्रॉब्लम रहता है, इसलिए लेट हो जाती है। और डेली हम पूछताछ करेंगे और आज यहीं तक। दीपक जी आपको समझाएंगे मेटीरियल कैसे लिया जाता है। दीपक बाबू, प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। असुविधा के लिए खैर है कि आप लोग को अभी तक मेटेरियल नहीं मिला है, लेकिन आज आप अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। क्लास एंड करने के बाद बच्चों आप आज 10 बजे के बाद आप एक बार www.toprankers.com जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप अपने लॉगिन पेज पर आएंगे तो देखेंगे कि सबसे ऊपर में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है और उसके लेफ्ट साइड में एक लिस्ट बना हुआ है, वहां आपको मिल जाएगा हिस्ट्री बाय सहंसा पंकज मिश्रा सर का नोट्स अवेलेबल होगा। आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और कल से आप कंटिन्यू अपने नोट से पढ़ाई करेंगे, है ना? आज तक आपको असुविधा हुई है ना?
इसके लिए खैर है। और जब नोट्स मिल जाए तो कल जब सर आएंगे क्लास करने के लिए तो आप रिप्लाई दे देंगे कि सर हमें या सारे बच्चे को नोट्स मिल गया है। ओके, थैंक यू।